बैठे थे पेटी ऊपर, पेटी ऊपर एक लड़का आया, 20-25 साल का था, उनकी पेटी में बैठी थी, बैठी वो पूछने आया, पूछने में बहु पोते लगा रही थी, तो पॉइंट बोला उनने पता कर, और दुकान का पता मेरे को क्या नाम वो पता पड़ा, उनको पता तो पड़े करके वो पूछ के वो वापिस चले गए। तब कमो कम 5 मिनट में वापिस आया तो मेरे को दुकान मिली नहीं, ऐसे कह के दोनों की चिक्की दे के दौड़ के इधर गली सामने की गली। किस पे आए थे? एक लड़का था। क्या पैदल आया था या मोटरसाइकिल? पैदल आया था, मैं पैदल नहीं क्या, फिर बाद में कोई उधर मोटरसाइकिल उधर मेरे को पता नहीं है। और लगभग 8:30 बजे गली में कुछ आवाज़ें आई और ऑफिस में मेरे काफ़ी क्लाइंट बैठे थे, जैसे ही मैं बाहर आया तो पता चला कि मेरी रील ताई जी जो घर के बाहर बैठी थी, अचानक एक लड़का लगभग 20-25 साल का, उसके काले कपड़े पहने हुए थे, उनकी चैन खींच के माणक हॉस्पिटल के सामने वाली गली में जो अड़साने वालों की गली जाती है उस साइड भाग गया, और आगे उसका एक साथी और भी मोटरसाइकिल पर था और वो चैन लेकर भाग गए। मेरे ताई जी के लड़के ने भी उनका पीछा करने की कोशिश की लेकिन वो पकड़ में नहीं आए, और जब मुझे इस घटना की जानकारी मिली तो मैंने तुरंत CI साहब विजेंद्र जी को फ़ोन किया और इमीडिएटली विदिन 5 मिनट में पुलिस के लगभग 8-10 कर्मचारी हमारे पास में कांस्टेबल वगैरह आ गए, और अभी हमारे पड़ोस में एक क्या नाम है सदाम ने उन बच्चों को, दो लड़के जो थे उनको पहचान लिया है, और एक सोनी और एक जांगीड़ राय कॉलोनी के वो मुलजिम बताए जा रहे हैं, और पुलिस वालों को हमने नाम दे दिए हैं, पुलिस वाले उनको पकड़ने के लिए उनके पीछे गए। क्या ये लगभग 2 सालों में 4 से 5 घटनाएं हो चुकी है, और माणक हॉस्पिटल के बाहर रात को पुलिस गश्त भी बैठती है लेकिन उसके बावजूद भी 4-5 घटनाएं हो गई, अभी तक किसी घटना का कोई खुलासा नहीं हुआ है। 5 घटनाएं हो गई, किसी का खुलासा नहीं हुआ, ये इससे Yeah,